सब्सक्राइब कीजिए जस्ट इन टेक चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जियो का अपकमिंग 5G नेटवर्क या 5G टावर स्मार्टफोन DSLR कैमरा क्लैरिटी के साथ में आएगा, जिसकी कैमरा क्लैरिटी रहेगी बैक साइड में DSLR कैमरा क्लैरिटी। कहा जा रहा है ये कैमरा क्लैरिटी तीनों मिलाकर 71 मेगापिक्सल्स तक शायद हो सकता है, पर ये अंबानी की है बात तो आने वाले दिनों में देखेंगे क्या ऐसी सस्ते वाली स्मार्टफोन रियलिटी में लेकर आते हैं। ट्रिपल LED फ्लैश के साथ में आती है। बैटरी परफॉर्मेंस की बात की गई तो 4000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी पिकअप दी जाने वाली है, और ये डिवाइस काफ़ी स्लिम होगा जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव नोच के साथ आएगा। फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की गई तो लगभग इसमें 21 मेगापिक्सल्स का 2 सेल्फी कैमरा रखा गया है जो फिट किया गया है नोच के अंदर। और यहाँ पर रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात की गई तो 8GB रैम 6GB रैम के ऊपर ये डिवाइस चलेगा। 8GB रैम के ऊपर 512GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम के ऊपर 214GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये डिवाइस देखने के लिए मिलेगा। और कब से खास बात आप लोगों को बता दें तो इसमें फेस ID अनलॉक भी देखने के लिए मिल जाएगा। जिसकी कीमत की बात करने से पहले, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं तो शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो टेक्नोलॉजी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसकी प्राइस की बात की गई तो लगभग इसमें जो है काफ़ी सस्ता प्राइस होने वाला है। रूमर्स कहा जा रहा है इसमें 4599 रुपये हो सकता है।